अभी इसके साथ और एक टर्म है, उसका नाम है ड्यूअल फ्यूल इंजन, ये फ्लेक्स फ्यूल इंजन और दूसरा ड्यूअल फ्यूल इंजन। अभी ड्यूअल फ्यूल इंजन यानी क्या? तो ड्यूअल फ्यूल इंजन यानी वहां भी उसी गाड़ी में भी दो तरह के ईंधन होते हैं, लेकिन वहां वो ईंधन अलग अलग चेंबर में रहते हैं, उसका स्टोरेज अलग अलग होता है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, आपने अभी कोई भी अगर सीएनजी की कार ली, तो आपकी सीएनजी की कार सीएनजी गैस पे भी चलती है और पेट्रोल के ऊपर भी चलती है, तो ये ड्यूअल फ्यूल इंजन हुआ। लेकिन सीएनजी और पेट्रोल अलग अलग स्टोर होता है, उसकी स्टोरेज अलग अलग है। फ्लेक्स फ्यूल इंजन में ये दोनों अलग अलग तरह के जो ईंधन है वो एक साथ एक चैम्बर में रहेंगे और उसका इस्तेमाल होगा। यानी अगर आपकी पेट्रोल की कार है तो उस पेट्रोल में आप जितना चाहे जितने प्रोपोर्शन में आप बायो इथेनॉल को मिक्स कर सकेंगे, और बायो इथेनॉल और पेट्रोल का मिक्स करके वो एक ही चैम्बर में उससे आप गाड़ी चला पाएंगे। अगर आपकी डीजल की कार है तो डीजल में आप बायो डीजल का इस्तेमाल कर सकते हो, और एक ही चैम्बर में मिक्स होके कोई भी प्रोपोर्शन 2% 5% से लेके 100% बायो इथेनॉल बायो डीजल पर आपकी गाड़ी चलेगी। यह है फ्लेक्स इंजन दोस्तों। इसके अलावा लेकिन सबसे ज्यादा इस्तेमाल अगर इस वेजिटेबल ऑयल का कहीं हो रहा है और होता है, और वो होता है रसोई में, खाना खाने में, मील में। दोस्तों रसोई में अगर हम लोग भारत की बात करें और बाकी के आजू बाजू के एशियन कंट्रीज की, तो रसोई में डीप फ्राई से ज्यादा कई सारे ऐसी चीजें हैं जो हम लोग तेल में करते हैं, लेकिन जो बाहर के पाश्चात्य देश है, यूरोपियन कंट्रीज है, वेस्टर्न कंट्रीज है, वहां अगर आप देखोगे तो तेल का इस्तेमाल ज्यादा करके टेस्ट के लिए, कैलोरीज के लिए, वो उसको एक टेक्सचर देनी होती है, इसके लिए वो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए उनका उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उनके जो वेजिटेबल ऑयल वो भी अलग होते हैं, और हमारे यहाँ के भी जो वेजिटेबल ऑयल जो हम लोग बरसों से यूटिलाइज कर रहे हैं वो भी थोड़े से अलग है दोस्तों। एक इसमें और एक चीज आपने सुनी होगी, वो है वनस्पति यानी डालडा, वो वनस्पति घी और अपना देसी गाय का घी। दोस्तों आमतौर पे अगर आप वेजिटेबल ऑयल देखोगे तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन इसी वेजिटेबल ऑयल को इसी लिक्विड फॉर्म में एक हाइड्रोजनेशन करके प्रोसेस होती है, और इसको गाढ़ा किया जाता है, सेमी सॉलिड किया जाता है, और उसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं वेजिटेबल ऑयल घी। और जो दूध से तैयार होता है वो होता है गाय का घी। अब इसमें कौन सा अच्छा है, कौन सा सेहतमंद है, मुझे लगता है कि हम सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इस वेजिटेबल ऑयल का बहुत सारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी है, इंडस्ट्रीज में यूटिलाइज होते हैं। नंबर वन कॉस्मेटिक एंड स्किन केयर। दोस्तों कॉस्मेटिक स्किन केयर में साबुन से, साबुन की टिकिया से लेके आप फेस वॉश और बहुत सारी चीजें कॉस्मेटिक्स में जो आप यूज करते हो, इसमें मैक्सिमम जगह में वेजिटेबल ऑयल लगते हैं, वेजिटेबल ऑयल से ही ये काम होता है। कुछ कंपनियों ने बीच में केमिकल्स का इस्तेमाल किया, कुछ कंपनी कर भी रही है, केमिकल्स डालती है, लेकिन दोस्तों आप अगर देखोगे तो इस केमिकल से इतनी सारी प्रॉब्लम्स स्किन को होती है कि आज की तारीख में सभी ऑलमोस्ट कंपनियां ये अच्छे अच्छे तेल के ऊपर जा रही है, और यही तेल अपने कॉस्मेटिक्स में ला रही है। और मैं एंड में आपको बताऊंगा कि ये जो तेल है किस तेल का ये इस्तेमाल करती है, कौन से ऐसे तेल जो शरीर को बाहर से भी पोषण देते हैं, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो ये इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। इसके अलावा पेंट इंडस्ट्री, कलर की इंडस्ट्री भी, इसमें भी वेजिटेबल ऑयल का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। सभी जो लकड़ी के प्रोडक्ट्स होते हैं, अभी लकड़ी ऐसी चीज है कि जिसकी ड्यूरेबिलिटी अगर आपको बढ़ानी है, जिसकी उम्र बढ़ानी है, तो उसको लुब्रिकेशन जरूरी है, लेकिन इस लुब्रिकेशन में हमने देखा कि केमिकल लुब्रिकेशन है, यानी पेट्रोकेमिकल से आता है वो लुब्रिकेशन है, वो लुब्रिकेंट्स है, और दूसरा लुब्रिकेशन हो सकता है वेजिटेबल ऑयल से, हमारे इस वनस्पति तेल से। और वनस्पति तेल का जो लुब्रिकेशन वो कई सालों तक अच्छा रहता है, तो कई जो अच्छे प्रोडक्ट्स अगर आप देखोगे तो उसमें लुब्रिकेशन इसका होता है। इसके अलावा इस वेजिटेबल ऑयल का, वनस्पति तेल का उपयोग होता है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रिसिटी में। दोस्तों इस इलेक्ट्रिसिटी में, इस इंडस्ट्री में जब लुब्रिकेशन लगती है तो वो वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल जो पेट्रोलियम लुब्रिकेंट है उसका इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ये जो नॉर्मल जो पेट्रोकेमिकल का लुब्रिकेंट हम लोग गाड़ियों में जो डालते हैं, उसका अगर आप इस्तेमाल करोगे तो ये बहुत जल्दी आग ले सकता है।
लेकिन वेजिटेबल ऑयल उसको जल्दी आग नहीं लगती। इसका कारण है फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट एक ऐसा तापमान है कि जिसके ऊपर उस चीज को आग लग सकती। तो वेजिटेबल ऑयल का फ्लैश पॉइंट बहुत ज्यादा है और ये पेट्रोल डीजल ये बाकी के लुब्रिकेंट उसका फ्लैश पॉइंट बहुत कम है। ऐसा समझिए कि हमारे रसोई में आप ऊपर खाना पकाते हो, खाना तैयार करते हो, ऊपर आपकी ऊपर आपका स्टोव होता है और नीचे ही उसके नीचे आप मूंगफली का तेल, पाम तेल या जो भी तेल है वो आप रखते हो, उससे आग लग सकती है क्या? नहीं। लेकिन वही उसी रसोई में ऊपर आप खाना तैयार करोगे और नीचे पेट्रोल या डीजल का डिब्बा रख सकते हो क्या? नहीं रख सकते हो, क्योंकि कभी भी फूट सकता है। वैसे ही उसी के कारण यहां भी इलेक्ट्रिसिटी में ज्यादा फ्लैश पॉइंट की वजह से वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल होता है। कई सारे केमिकल इंडस्ट्रीज है जहां वेजिटेबल ऑयल जरूरी होते हैं। जो जानवर होते हैं एनिमल्स पेट्स, उनके भी खाने में वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल होता है। और फ्यूल दोस्तों, ईंधन, जैसा मैंने कहा कि हमारी शुरुआत ही हुई इस वेजिटेबल ऑयल का ईंधन करके इस्तेमाल करके, और आज भी हम लोग धीरे धीरे, जैसे रुडोल्फ डीजल सर ने कहा था, हम लोग धीरे धीरे ऐसे ही ईंधन के ऊपर जा रहे हैं। बायोडीजल का मतलब वेजिटेबल ऑयल ही है। जो डीजल हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो पेट्रोकेमिकल है, वो हाइड्रोकार्बन है, उसका केमिकल स्ट्रक्चर बहुत अलग है हाइड्रोकार्बन। और ये जो बायोडीजल की हम लोग बात कर रहे हैं, ये बायोडीजल है वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल से ट्रांसएस्टरीफिकेशन करके जो चीज बनती है वो है बायोडीजल। तो ये तेल, वनस्पति तेल कैसे तैयार होता है? तो जैसा मैंने कहा कि वनस्पति के ये जो फल और उसकी जो बीज है उससे मैक्सिमम तेल तैयार होता है। और इसके निकालने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका है मैकेनिकल। मैकेनिकल तरीका ने क्या, तो जिस चीज में वो तेल है उसको क्रश करो, उसको प्रेस करो और उससे वो तेल निकालो, निचोड़ के तेल निकालो। और इस सदियों से हम लोग करते आ रहे हैं। हर गांव में, हर प्रांत में, हर जगह आप देखोगे ना, तो हमारे किसान, हमारे गांव के लोग इसकी फसल करते थे, खेती करते थे। और ऐसे तेल जो खाने के लिए चाहिए, रसोई के लिए चाहिए, ऐसे तेल जो हमें लुब्रिकेंट करके चाहिए, जो बैलगाड़ी के लिए चाहिए, जो ऐसे मशीन के लिए चाहिए, जो चप्पल के लिए चाहिए, ऐसे सभी के तेल भी हम लोग तब तैयार करते थे। गांव गांव में ऐसी घानी होती थी और हम इस ऑयल में, इस हर तरह के ऑयल की जरूरत के लिए 100% आत्मनिर्भर थे। दूसरा जो तरीका है वो है केमिकल, यानी सॉल्वेंट का तरीका। उसमें क्या होता है कि जिसमें तेल होता है उसको एक सॉल्वेंट में डिजोल्व किया जाता है और उसका मिश्रण तैयार होता है। ये जो सॉल्वेंट जिसमें ये घुल जाता है, इसको हेक्सेन करके एक केमिकल होता है, उसका इस्तेमाल इसमें करते हैं। और जब जो द्रावण तैयार होता है, जो घोल तैयार होता है, उसको फिर से डिस्टिलेशन करके फिर उससे वेजिटेबल ऑयल निकालते हैं। इसका एडवांटेज यह है कि थोड़ा सा बड़े स्केल में हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा तेल इससे निकाला जा सकता है। इस वेजिटेबल ऑयल की कई सारे क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। पहला क्लासिफिकेशन यह है कि किस तरह से आप इस तेल को निकाल रहे हैं। आप इसको निचोड़ के निकाल रहे हो या वही सॉल्वेंट वगैरह करके निकाल रहे हो, तो उसके ऊपर से इसको प्रेस्ड ऑयल, लिंसिड ऑयल, ऐसे अलग अलग तरह के, या इसेंशियल ऑयल ऐसे भी कहा जाता है। ऐसे तीन टाइप के इसके प्रकार है। दूसरा है कि किससे ये तेल बना है। तो क्या वो मूंगफली का तेल है, नारियल का तेल है, सनफ्लावर तेल है, सोयाबीन तेल है, ऐसे अलग अलग इसके प्रकार हो सकते हैं। तीसरा जो क्लासिफिकेशन वो है एडिबल ऑयल और नॉन एडिबल ऑयल। ऐसे ऑयल जो हम लोग खाने के लिए रसोई में इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऐसे ऑयल जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस पे है। तो दोस्तों, हमने देखा कि ये ऑयल, ये वेजिटेबल ऑयल, कई तरह के इसके एप्लीकेशंस है, कई तरह के इसके उपयोग है, जो हजारों सालों से, सदियों से हम लोग करते आ रहे हैं। लेकिन आज ये वेबिनार टॉपिक जिसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पूरे देश के लिए है, वो है एडिबल ऑयल इंडस्ट्री। इस वनस्पति तेल का, वो वनस्पति तेल जो आज हर दिन रसोई में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो जीवनावश्यक, जीने के लिए महत्वपूर्ण ऐसी चीज है जो खाना है और जो हर घर को लगती है, उस इंडस्ट्री की हम लोग बात करते हैं। दोस्तों, ये इंडस्ट्री हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 100% एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है। जो भी हम लोग इस इंडस्ट्री में तैयार करते हैं, ये पूरा हमारा, हमारे खेतों से आता है। और हमारी भारत की अर्थव्यवस्था, जैसे मैं हमेशा कहता हूं,
और आज से ही नहीं, हजारों सालों से, सदियों से हमारी अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, ये पूरी तरह से एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर, कृषि इसका आधार है। और इस एग्रीकल्चर में, इस कृषि में अनाज के बाद दूसरे क्रमांक पे है ये हमारे वेजिटेबल ऑयल्स। इसकी जो फसल होती है ये हमारे भारत में दूसरे क्रमांक पे है, दूसरे नंबर पे है। जितने भी जमीन हमारे पास है भारत में, जितने भी जमीन के ऊपर आज खेती हो रही है, दूसरे नंबर, सबसे ज्यादा दूसरे नंबर की खेती इसके लिए होती है। हमारे देश में 12 से 15% तक इतनी जो जमीन है उसके ऊपर इस तेल के लिए खेती होती है। पूरे दुनिया का 6 से 7% इतना तेल हम लोग हर साल तैयार करते हैं। और ये किससे तैयार होता है? तो कुछ ऐसी फसलें हैं कि जो तैयारी की जाती है तेल के लिए, और जिसको हम लोग कह सकते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑयल प्रोडक्शन। और इसमें नंबर 1 पे होता है रेपसीड मस्टर्ड, दूसरे क्रमांक पे है सोयाबीन, तीसरे क्रमांक पे है ग्राउंडनट यानी मूंगफली, बाद चौथे क्रमांक पे है सनफ्लावर। और दूसरा ऐसा सोर्स है जिसको हम लोग कह सकते हैं सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स यानी वो सोर्स, वो फसलें कि जो फसल हम लोग तेल के लिए नहीं तैयार करते, हम लोग वो फसल किसी और चीज के लिए करते हैं लेकिन उससे तेल भी निकलता है। और इसमें नंबर 1 अगर कुछ है वो है कॉटन सिल्क, यानी हमारी सरकी, हमारा जो कपास होता है उसके बीज, 36% उससे हम लोग तेल निकाल सकते हैं, निकालते हैं। दूसरे क्रमांक पे है राइस ब्रांड, जो चावल हम लोग तैयार करते हैं उससे भी तेल निकलता है। तीसरे नंबर पे है कोकोनट यानी नारियल और बाकी की चीज। अगर आप दोनों का कंट्रीब्यूशन देखोगे तो जो भी तेल का निर्माण आज भारत देश में हो रहा है, 68% आता है प्राइमरी सोर्स से, ऐसी फसलों से जो सिर्फ तेल के लिए तैयार की जाती है, और 32% आता ही है ऐसी सोर्स से कि जो जिसका मेन उत्पादन अलग होता है और तेल एक सेकेंडरी उत्पादन है। दोस्तों हमारी डिमांड कितनी है, कितना तेल हमें लगता है, अगर इसके बारे में आप पूछोगे तो आज की तारीख में दुनिया के सबसे ज्यादा जितना तेल पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है ना, दूसरे क्रमांक पे हम लोग हैं। पहले चाइना को ज्यादा तेल लगता है, लगभग 34 to 35 यानी 34 से 35 मिलियन टन चाइना को लगता है, और हम हर साल कितना इस्तेमाल करते हैं तो 21 से 22 मिलियन टन। लेकिन कैसे जाना जाता है कि आपके देश को कितना तेल लगेगा? तो वो होता है पर कैपिटा कंजम्पशन के ऊपर, प्रति व्यक्ति आपको कितना लगता है। आपके देश में इतने सारे लोग हैं तो हर व्यक्ति को कितना तेल लगता है उसके ऊपर निर्भर है कि पूरे देश को कितना लगेगा। लेकिन वो अगर फिगर आप देखोगे तो वो चौंकाने वाली है। आप देखोगे कि पूरे दुनिया में सबसे लोएस्ट, वन ऑफ द लोएस्ट प्रति व्यक्ति कंजम्पशन हमारे देश का है। प्रति व्यक्ति वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल पूरे दुनिया में बहुत कम होता है अपने यहां। और ये कैसा होगा? ऐसे तो मुमकिन ही नहीं, क्योंकि हजारों सालों से हम इस तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम प्राइमरीली वेजिटेरियन लोग हैं, जो ज्यादा से ज्यादा तेल हमें लगता है, हमें घी लगती है। तो ये जो डिमांड आज हमने देखी है, जिसका जो वेजिटेबल ऑयल आज इस्तेमाल हो रहा है वो कम है। क्योंकि तो अगर आप ग्लोबल एवरेज देखोगे, पूरी दुनिया का एवरेज भी देखोगे ना, तो पूरी दुनिया में 27.6 इतना किलो यानी प्रति व्यक्ति 27 किलो 600 ग्राम इतना तेल का इस्तेमाल साल का करता है। हमारे आजू बाजू जो देश है छोटे छोटे एशियन कंट्रीज, उसको भी अगर आप देखोगे तो 23 किलो 200 ग्राम इतना तेल का इस्तेमाल साल का प्रति व्यक्ति होता है। और भारत की अगर फिगर आप देखोगे तो भारत का सिर्फ 18 से 19 किलो प्रति व्यक्ति इतना ही है, जबकि हमारी परंपरा ही है ज्यादा तेल इस्तेमाल करने की। तो इसका मतलब आज ये जो कुछ हम लोग देख रहे हैं ये जरूरत से कम है। दूसरी चीज, अगर हम देखें कि हमारी जो फसलें हैं, फसल में कितनी उत्पादकता है, वो भी अगर आप देखोगे तो दुनिया में बहुत कम है। बाकी की जगहों पर ये जो फसलें होती है तेल के लिए, वो जितना लेते हैं उससे बहुत कम हम करते हैं। अभी यही देखिए, ये मैं आपको कंपैरिजन दिखाता हूं। ये कंपैरिजन, अभी इसमें सोयाबीन देखिए। सोयाबीन भारत में ये टन पर हेक्टर है, 1 टन, 1.13 1.13 टन प्रति हेक्टर सोयाबीन तैयार होता है।
पूरे दुनिया का एवरेज 2.41 है, यानी अपने से डबल से ज्यादा, पूरी दुनिया का एवरेज है। और सबसे ज्यादा जिस देश में होता है वहां तो 2.80, यानी उससे भी ज्यादा है। रेपसीड, सरसों का तेल 1.11, यानी 1.11 टन पर हेक्टर हमारे देश का एवरेज है। पूरी दुनिया का एवरेज कितना है तो 1.91, और जहां सबसे ज्यादा होता है वो तो 3.98 है, यानी हमसे 3 गुना से ज्यादा वहां होता है जहां सबसे अच्छी फसल होती है। तीसरा है मूंगफली, मूंगफली हम 1.21 टन प्रति हेक्टर इतना लेते हैं, पूरी दुनिया का एवरेज हमसे ज्यादा है 1.58, लेकिन सबसे अच्छी फसल जहां होती है वह 3.8 है। सनफ्लावर यानी सूरज या सूर्यफूल, उसे सूर्यफूल में भी हमारा 0.7 टन इतना ही है पर हेक्टर, जबकि पूरी दुनिया का एवरेज हमसे डबल है ऑलमोस्ट 1.37, और जहां सबसे अच्छी फसल होती है वो तो हमसे 3 गुना है 2.42। दोस्तों ये आज की हकीकत है, ये आज का स्टेटस है कि जो भी काम हम लोग आज तैयार भी कर रहे हैं, पैदा भी कर रहे हैं, किसान कर रहे हैं, इसकी ये कंडीशन है। लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे यहां सभी जगह इतना कम होता है। जो बेस्ट दुनिया का आपको दिख रहा है ना, वो भी होता होगा किधर, हमारे भारत देश में बेस्ट ऐसा उसी उत्पादकता होती है, वैसा कंडीशन है, सब कुछ है, लेकिन बहुत सारी चीजें जो इनपुट चाहिए, जो सपोर्ट चाहिए वो नहीं है इसके कारण, और एक कर्जा पैसे नहीं होते किसानों के पास जिसके वजह से वो नहीं कर पाते। नहीं तो हमारा देश, हमारी जमीन भी इतनी अच्छी है, इतनी उपजाऊ है, सभी रिसोर्सेज इतने हमारे पास है कि हम लोग बेस्ट जो है पॉसिबल वो फसल ले सकते हैं। और यही, ये दोनों चीजों का यही परिणाम है कि हम आज 65% से ज्यादा तेल बाहर से मंगा रहे हैं और उसको गुजारा कर रहे हैं। लेकिन आज जो टॉपिक है, आज जो वेबिनार में जो चीज मुझे आपके सामने रखनी है वो कुछ अलग है। दोस्तों आप दुनिया में कहीं भी जाइए, दुनिया में किसी भी प्रांत में, किसी भी देश में, किसी भी जगह पे, वहां की जो मिट्टी होती है, वहां का जो हवामान होता है, वहां जो रहने वाले पशु पक्षी कीटक होते हैं, मनुष्य होते हैं, वो अलग अलग तरह के होते हैं। वहां जो फसल होती है, वहां का जो खाना होता है, और उस खा वो खाना खाके उन लोगों की जो सेहत होती है, ये सब चीजों का अपने आप में एक गहरा संबंध है। और ये गहरा संबंध आज से नहीं, हजारों सालों से कुदरत ने बनाया है ये संबंध। तो आप अगर आप दूसरे देश में का अमेरिका में जाके रहोगे, यूरोप में जाओगे, किसी दूसरे जापान में जाओगे, तो वहां जो फसल आप लोगे, जो खाना खाओगे, वो उसके वो पूरी चीज में, ये पूरी व्यवस्था का एक परिणाम होता है। और वो भी वैसे ही है हमारे इस वेजिटेबल ऑयल के बारे में। वो कैसे? तो वेजिटेबल ऑयल का अगर आप देखोगे तो वेजिटेबल ऑयल बहुत जरूरी होते हैं पूरे शरीर के लिए। हम लोग कहते हैं कि ऑयल नहीं खाना चाहिए, ऑयल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, ऑयल ऑयल से ऐसा होता है, बिल्कुल नहीं। हमारे खाने में और जो भी शरीर को लगता है उसमें 3 चीजें लगती है, आपको भी पता होगा। एक है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, और तीसरा फैट, तेल, कंपलसरी है। आज जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, ये हमारे आंखों में जो लुब्रिकेशन है वो तेल ही है ना, हमारे पूरे बदन में तेल है, तेल का लुब्रिकेशन लगता है। बहुत सारी एप्लीकेशंस की जहां तेल कंपलसरी है, इसेंशियल ऑयल है। और ये सभी जो इसेंशियल ऑयल, इसेंशियल तेल हमको मिलता है, जिन तेलों से मिलता है, उन्हें हम लोग बोलते हैं हेल्दी ऑयल, जो इस पूरे हमारे कामकाज को हेल्प करते हैं, मेंटेन रखते हैं। और ऐसे ऑयल, ऐसे वेजिटेबल ऑयल, ऐसे तेल कि जिससे हम लोग मोटे होते हैं और इसको कोई फायदा नहीं होता, उसे हम लोग बोलते हैं लेस हेल्दी ऑयल। इसके अलावा और एक चीज है, और वो है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड ऑयल्स, यानी आपके तेल में कितना प्यूफा है। प्यूफा यानी क्या? पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। तो ऐसे तेल जिसमें ये पॉली अनसेचुरेटेड ऑयल ज्यादा है वो अपने बदन के लिए, शरीर के लिए अच्छा होता है, और ऐसे तेल जिसमें सैचुरेटेड ऑयल ज्यादा होता है वो बिल्कुल अच्छे नहीं होते। इसलिए डॉक्टर आपको बोलते हैं कि वो तेल खाने चाहिए जिसमें प्यूफा ज्यादा है। गुड एंड बैड कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल का नाम आपने तो सुना होगा, आपने एड में देखा होगा, लेकिन सभी कोलेस्ट्रॉल खराब होता है क्या? नहीं।
ऐड कैसे होते हैं कि कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इस कोलेस्ट्रॉल के भी प्रकार है अपने बदन के अंदर, और ऐसा कोलेस्ट्रॉल जिसमें एचडीएल हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है वो बदन की सेहत के लिए अच्छे होते हैं, और एलडीएल जिसमें लो डेंसिटी है वो बदन के लिए अच्छे नहीं होते। अच्छा कोलेस्ट्रॉल आपको अच्छा सेहतमंद रखेगा, और जो लो ये एलडीएल वाला जो कोलेस्ट्रॉल है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल है, वो आपकी जो रक्तवाहिनी है उसको ब्लॉक कर देता है, उसका दरवाजा ही अभी उसके जो फ्लो है वो बंद कर देता है, और उसके वजह से ये हमारे जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, हार्ट है, किडनी है, ब्रेन है, या बहुत स्मॉल स्मॉल सूक्ष्म ऐसे रक्त नलिका होती है, वो रक्त नलिका जब बंद हो जाते हैं तब फिर वो हार्ट अटैक, किडनी के प्रॉब्लम, ब्रेन के प्रॉब्लम, पैरालिसिस, ये सब काम होता है। दोस्तों हमारे देश का एक महान विशाल ऐसा ट्रेडिशन, हमारे देश में रेगिस्तान भी है, हमारे देश में बर्फ भी पड़ता है, हमारे देश में समुन्दर भी है, और जैसा मैडम ने कहा कि अगर अगर आई मीन पॉसिबल जब हमें आजादी मिली तो 560 से भी ज्यादा यहाँ किंगडम थे, यहाँ राज्य थे, तो अलग 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 प्रांत है, अलग अलग अपने अपनी एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस है, अलग अलग तरह के लोग यहाँ रहते हैं, और वैसे ही अलग अलग तरह का वहां जो वेजिटेबल ऑयल तैयार होता है वो भी अपना अपना अलग है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये वेजिटेबल ऑयल अपने देश में बहुत समृद्ध, खाने के लिए बहुत अच्छा और हेल्दी ऐसे है। हमारे ईस्ट और नॉर्थ इंडिया में मस्टर्ड तेल, रेपसीड तेल का उपयोग होता है। अगर गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक की बात करें तो तिल के तेल का हम लोग सालों से, सदियों से इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत की बात करें तो मूंगफली तेल हम लोग सब इस्तेमाल करते हैं, और अगर साउथ की बात करें तो कोकोनट ऑयल। ये सभी तेल अपने अपने जगह पे लोग आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसकी कई सारे विशेषज्ञ कई सारी अच्छी चीज लोग जानते हैं। लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि पहले हमारी ऐसी परिस्थिति थी, ऐसी व्यवस्था थी कि हर गांव में इस वेजिटेबल ऑयल की निर्मित होती थी। वहां के किसान अपने बदन के लिए, अपने शरीर के लिए जो चीज अच्छी रहती है, सेहत के मन सेहतमंद ऐसे तेल हम लोग बनाते थे और खाते थे, और इसलिए तबियत भी तब उनकी वैसी होती थी, इम्यूनिटी वैसी होती थी। और जैसा मैंने कहा कि नॉन एडिबल जो एप्लीकेशन थे उसके लिए भी वो तेल का निर्माण करते थे और अपनी जो जरूरत है उसको पूरा करते थे। कोई भी ऐसी चीज नहीं थी कि जिसके लिए हम लोग बाहर के ऊपर हम लोग डिपेंड होते थे। लेकिन ये लोग ब्रिटिशर्स आ गए, ये ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, और इसने हमारी ये पूरी जो व्यवस्था थी, जो आत्मनिर्भर स्वयं पूर्ण जो सुजलाम सुफलाम ऐसी जो व्यवस्था था, उसकी पूरी तरह से उन्होंने बर्बाद करके रख दिया। दोस्तों इन्होंने पूरा ये जो एग्रीकल्चर है, जो खेती है, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। इन्होंने ये छोड़ अपना जो खेती होती वो खेती को सिर्फ ऐसे रॉ मटेरियल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जो रॉ मटेरियल उनको चाहिए था। उनकी जो फैक्ट्रियां थी लंदन में, इंग्लैंड में, उसके लिए जो रॉ मटेरियल लगेगा ना उसके लिए वो खेती करने लगे, उसकी ही खेती वो करवाते थे। आपको क्या लगता है ये रोड, ये ट्रेन का जो नेटवर्क उन्होंने तैयार किया क्यों? ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल, ज्यादा से ज्यादा सोना यहां से लेके हम लोग अपने देश में जा सकते हैं। इसलिए आपको क्या लगता है कि क्यों मुंबई, क्यों कलकत्ता, क्यों मद्रास, ये पोर्ट्स, ये बंदर उन्होंने डेवलप किए? क्योंकि वहां के बंदर, ये जो लाने का ले जाने का काम होता था वो समुन्द्र से होता था, और इसलिए उन्होंने ये पोर्ट्स तैयार किए। और इस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था का जो बेसिक ढांचा था उसको बर्बाद करके रखते हैं। आजादी के बाद जब हमें ये वेजिटेबल ऑयल, वनस्पति तेल लगता था, तब आबादी एक तरफ बढ़ती थी और वनस्पति तेल उतना नहीं लगता था, तो हम लोग बाहर से वेजिटेबल ऑयल मंगाते थे। लेकिन हमने देखा कि हरित क्रांति हुई, हम लोग अनाज में स्वयंपूर्ण हो गए, उसके बाद श्वेत क्रांति हुई, हम दूध में स्वयंपूर्ण हो गए, तो भारत सरकार ने सोचा कि अभी ये टाइम है कि हम लोग इस वेजिटेबल ऑयल में, इस वनस्पति तेल में भी स्वयंपूर्ण हो जाए। और इसीलिए भारत सरकार ने 1986 में एक पीत क्रांति की शुरुआत की। इस पीली क्रांति का एम, ऑब्जेक्टिव एक ही था कि अपने देश को इस वेजिटेबल ऑयल में स्वयंपूर्ण करना, और बहुत अच्छा काम किया हमने 1986 से लेके 1993-94 तक। अगर आप देखोगे उस 7-8 सालों में हमने जो भी हम लोग इंपोर्ट करते थे ना वो पूरी तरह से ऑलमोस्ट बंद हो गया था।
94 की अगर आप बात करें तो हम लोग 0.1 टन सिर्फ इतना हम लोगों ने मंगाया, 0.1 यानी निग्लिजिबल। लेकिन बाद में एक दुर्घटना हुई, वो क्या हुई थी, तो वो हुआ उदारीकरण, जागतिकीकरण, व्यापारीकरण, और उसमें अपना अपना जो मार्केट है, अपना देश है, वो पूरी दुनिया के लिए खुल गया। तो ऐसे सभी देश, ऐसा समझे, अभी अभी आप सोचिए, अभी आप देखिए क्या हुआ, ऐसे मार्केट, ऐसे कंपनियां जिनके यहां एक तेल बनता हो, कोई भी तेल, वो कितना हेल्दी है क्या, उसे कोई लेना देना नहीं। तेल हमारे यहां वो ज्यादा से ज्यादा बनता है, और सबसे बड़ी मार्केट कौन सी है, इंडिया। सबसे बड़ा मार्केट कौन सा है, भारत। तो वहां जाके चलो इसको बेचे। ऐसे करके सब कंपनियां अपने देश में आ गई, और उसमें वो क्या लेके आई, तो लेके आई सोयाबीन ऑयल, वो लेके आई पाम ऑयल, वो लेके आए सनफ्लावर ऑयल, ये ऐसे तेल लेके आए। क्यों, क्योंकि उनके यहां वही ज्यादा होता था, वही ज्यादा वो तैयार कर सकते थे, और उनका एक ही मकसद था, व्यापार करना, ज्यादा से ज्यादा माल तैयार करके इनको बेचो, डंप करो। और ऐसा उन्होंने अपनी व्यापार की शुरुआत की। और इस पूरे सिलसिले में, ये जैसे वनस्पति ऑयल का बिजनेस बढ़ा, तो हमारे यहां कॉर्पोरेट कंपनियां बड़ी। अभी कोई भी बाहर की कंपनी यहां बिजनेस नहीं करते, हमारे यहां जो भी वेजिटेबल ऑयल में बिजनेस होता है हमारे देश के कंपनियां ही करती। जैसे ये अभी एग्जांपल है, सिर्फ यही कंपनियां नहीं है, तो गोदरेज से लेके कई सारी, आईटीसी से लेके सभी कंपनियां अभी आज की तारीख में वेजिटेबल ऑयल में काम करती है। जो भी वेजिटेबल ऑयल अपने देश में आज बेचा जाता है ना, साल का 1,30,000 करोड़, 1,30,000 करोड़ का माल ये सब कंपनियां बेचती है। और ये पूरे फूड इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पैकेज्ड जो फूड आइटम है ये वेजिटेबल ऑयल है। दूध को कब से इन्होंने पीछे छोड़ दिया, पहले दूध होता था, दूध और दूध के सभी आइटम्स, ये सबसे ज्यादा पैकेज होने होके बेचने वाले ऐसे आइटम होते थे। अब उसकी जगह नहीं, उसको आगे लेके गए कौन, वेजिटेबल ऑयल। लेकिन इन कंपनियां, ये भी इन कंपनी ने क्या करना चाहिए था, जो हमारे फसल, हमारे किसान जो कुछ कर रहे हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं हुआ। ये सभी कंपनियां एग्जैक्टली वही काम कर रही है जो आज की तारीख में हमारा ऑयल एंड गैस में हो रहा है। क्या हो रहा है ऑयल एंड गैस में, ऑयल एंड गैस में बाहर से क्रूड ऑयल हम लोग मंगा रहे हैं। हमारी जो कंपनियां काम कर रही है, एचपीसीएल, आईओसीएल, बीपीसीएल, वो क्या करती है, तो उनकी रिफाइनरीज है, वो क्रूड ऑयल मंगाती है, वो प्रोडक्ट तैयार करती है और बेचती है, पेट्रोल पंप है उनके। और इन सभी कंपनियों को हम लोग बोलते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। वैसे ये जो कंपनी, ये जो कॉर्पोरेट आप देख रहे हैं ना, इनकी बड़ी बड़ी रिफाइनरीज है, ये क्या करते हैं कि बाहर से क्रूड वेजिटेबल ऑयल मंगाते हैं, वो वेजिटेबल ऑयल को फिर वो पॉलिशिंग, वो सब रिफाइनिंग करते हैं, पैकेजिंग करते हैं और वो बेचते हैं। यानी ये भी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां ही है। क्या करना चाहिए था इन्होंने, इन्होंने अपने किसानों को, अपने अपने जो खेत है, अपने जो लोग हैं उनकी तरफ देखना चाहिए था, उनको सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं कर रहे। और आज परिस्थिति हमारी जो ऑयल एंड गैस की, वो सेम है वेजिटेबल ऑयल सेक्टर की। और दूसरा इंपॉर्टेंट, ये जो तेल हम लोग वहां से मंगाते और जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, ये ऐसा नहीं कि इसको पसंद नहीं करना चाहिए, पसंदीदा नहीं होना चाहिए, ये नुकसानकारक है हमारे सेहत के लिए, तो बिल्कुल यूजफुल नहीं है। क्योंकि जिस तरह से हम लोग यहाँ का खाना तैयार करते हैं, रसोई में उपयोग करते हैं तेल का, हम डीप फ्राई करते हैं, ऐसे तापमान के ऊपर वो तेल तो बिल्कुल काम नहीं करते। और मैं जो कुछ बोल रहा हूं ये आप पढ़ाई करके देख सकते हैं, ये जो सब कुछ, ये जो उनकी मार्केटिंग होती है ना, जो भी मार्केटिंग, अभी हर वेजिटेबल ऑयल की एड देखो आप, वो सब सेहत से रिलेटेड होती है, सेहत सेहत सेहत, कोलेस्ट्रॉल हो, हार्ट हो, ये सब चीजें ये साइंटिफिकली अनसपोर्टेबल है, बिल्कुल साइंटिफिकली सपोर्ट नहीं करता। लेकिन ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी का एक ही काम है, एग्रेसिव मार्केटिंग। ये कंपनियों ने जब अमेरिका में शुरुआत की तो वहां भी वैसे किया, भारत में भी वैसे कर, वहां डॉक्टर्स हो, डायटिशियन हो, न्यूट्रिशनलिस्ट हो, स्पेशलिस्ट हो, स्कूल के बच्चों से लेके वो वहां एकदम सेमिनार देते हैं, कैंपेन तैयार करते हैं और बताते हैं सोया 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 इतना अच्छा, इतना अच्छा, इतना अच्छा, सेहत के लिए अच्छा, सबसे के लिए अच्छा, और इसीलिए आप लो। और इतनी एग्रेसिव मार्केटिंग की, लेकिन इन्होंने दो काम किए,
एक तो एग्रेसिव मार्केटिंग किया ऐसे प्रोडक्ट की जो सेहत के लिए इतने अच्छे नहीं है, और दूसरा काम किया इन्होंने ये, हमारा हमारे जो देसी तेल है, देसी तेल इतने सालों से हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको बदनाम किया, खराब किया, उसका नाम खराब किया। हमने देखा कि कितने सारे हमारे छोटे छोटे घानी थी, घानी आप समझते हैं, वो घानी में इस घानी से तेल निकालते थे हमारे लोकल वेंडर्स से हजारों की तादाद में और बेचते थे। इन्होंने इसका नाम ऐसे खराब किया, ये तेल बिल्कुल अच्छे नहीं है। 94 में इनकी शुरुआत हो गई, 98 में एक हादसा हुआ जहां जो हमारा सबसे ज्यादा अपने देश में इस्तेमाल होता है मस्टर्ड ऑयल, जिसको हम लोग सरसों का तेल बोलते हैं, सरसों के तेल में भारी मिलावट के कारण बहुत सारे लोग की मौत हो गई। दोस्तों ये सभी चीजें, ये जो वेजिटेबल ऑयल जो हमारा देसी तेल है ना, देसी तेल में 1% मिलावट होती है, वो भी कौन सी मिलावट होती है, मिलावट भी नहीं बोल सकते, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का जो एक अंश उसमें आता है और वो सबको पता है, उससे कुछ नहीं होता, वो अच्छा है, अच्छा है ना, ठीक है, कोई उसका प्रॉब्लम नहीं। 30%, 30% उसमें मिलावट थी, और 30% ऐसी मिलावट थी वो एग्रीकल्चर की नहीं, तो पेट्रोकेमिकल के प्रोडक्ट उसमें डाले थे जो जहर थे। 30% कौन कर सकता है। और इस इंसिडेंस के बाद जब कॉन्फ्रेंस हुई वहां के तब के मिनिस्टर्स और वो बाकी के सब मिनिस्ट्री, उन्होंने भी ओपनली कहा, प्रेस के सामने कहा कि ये कॉन्सिक्वेंस ही हो सकती है, 30% डाल के इतने बड़े पैमाने पे कोई नहीं कर सकता, तो ये बड़ी कॉन्सिक्वेंस ही। और उसका नतीजा ये हुआ कि गवर्नमेंट ने इमीडिएटली एक नियम निकाला कि अनपैकेज्ड एडिबल ऑयल बंद, और हजारों हमारे ये जो व्यापारी थे, छोटे छोटे बिजनेस करने वाले थे, वो पूरी तरह से बंद हो गए। और धंधा किनका चालू हुआ, धंधा उनका चालू हुआ जो कॉरपोरेट में काम करते, जो बड़े इस पे काम करते हैं, जो बड़ा ये सब पैकेजिंग विकेजिंग करके जो हम लोग आज देख रहे हैं वेजिटेबल ऑयल, उनका धंधा चालू हुआ। दोस्तों ये जो हमारे देसी तेल छोड़ के हम लोग ये इंपोर्टेड तेल पे जाना, वो उतना ही खराब है जितना अपना ऑर्गेनिक खेती छोड़ के इस केमिकल कैंसर की खेती पे जाना। और किसी भी ये जो हमारे तेल है ना, आप कहीं भी जाइए, और जिस तेल को हम इतने सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तिल का तेल हो, नारियल का तेल है, ये मूंगफली का तेल है, ये सरसों का तेल है, ये तेल कहीं भी किसी भी जगह जाइए, आप किसी भी पैरामीटर पे जाइए, ये उनसे बहुत सर्वश्रेष्ठ है। आज इसलिए ये कॉस्मेटिक्स में क्या इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे तेल इस्तेमाल हो रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, हमारे तेल जितने बेनिफिट जितने अच्छे हैं वो पूरे, वो कौन से भी ऐसे इंपोर्टेड तेलों में वो बात नहीं है। और ये साइंटिफिकली मैं बताता हूं, बात कर रहा हूं, आप जब पढ़ाई करोगे, एक आयुर्वेदा ऐसा कीजिए, आप सिर्फ आयुर्वेदा करके आयुर्वेदा की थोड़ी सी पढ़ाई कीजिए, ये बहुत सारे तेल तो आपको दवाई करके मिलेंगे और कितने सारी चीज ये आपकी अच्छी करेगी। इसलिए करंट स्टेट भी अगर स्टेटस अगर आप देखोगे इस बिजनेस का, इंडस्ट्री का, तो हमारे पास 15,000 ऑलमोस्ट ऑयल मिल है, छोटी छोटी। ये 15,000 ऑयल मिल जो तेल तैयार करती है वो अपने कैपेसिटी पे चली तो हम लोग 36 मिलियन टन, 36 मिलियन टन तैयार कर सकते। आज कितना कर रहे हैं यहां से वहां से मंगा के, 21-22 मिलियन टन हम लोग तैयार कर सकते, 36 मिलियन टन सिर्फ इस ऑयल मिल के वजह से। लेकिन इनका अभी कैपेसिटी कितना यूटिलाइज हो रहा है, 20-30% हो ही नहीं रहा, और बाकी की जो कंपनी आप तो देख ही रहे। तो दोस्तों इसका क्या हल है, क्या सोल्यूशन, और सोल्यूशन एक ही है, सिंपल सोल्यूशन। एक बात तो ऐसी है कि आज जितने जमीन पे हम लोग इस ऑयल तेल इसकी जो फसल कर रहे हैं ना, अगर उनके तरफ फोकस करें, एक भी एकड़ बढ़ाना नहीं है, एक भी गुंडा बढ़ाना नहीं है, जमीन बिल्कुल बढ़ानी नहीं है, जो भी काम आज हम लोग कर रहे हैं, हमारे किसान लोग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी उत्पादकता अगर हम लोग ग्लोबल लेवल यानी आम पूरी दुनिया में जितना मिलता है उतना भी अगर हम लोग ले, तो भी हमारा जो पूरा आउटपुट है वो 65% बढ़ेगा। जमीन नहीं बढ़ानी है, लोग नहीं बढ़ाने, कुछ नहीं करना है, जो काम करो उसको सिर्फ सही तरीके से करना है, फिर भी हम लोग 65% इतना ऑयल का निर्माण ज्यादा कर सकते हैं हमारे देश का ऑयल। और अगर लेकिन इसी तेल को, इसी उत्पादकता को अगर आप बेस्ट जो पॉसिबल है, जो हो सकता है वेरी मच, अगर उसको हम लोग करें तो आराम से
जितनी भी जमीन आज की तारीख में वेजिटेबल ऑयल के फसल के लिए है वो आराम से उससे हम लोग स्वयं पूर्ण हो सकते हैं, किसी से मंगाने की जरूरत नहीं। और वो जो 78,500 करोड़ वहां जा रहे वो हम लोग यहां ले सकते हैं दोस्तों। तो और इसका भी एक ही तरीका है, एक ही तरीका है, एक ही आदमी है जो इसको बदल सकता है, वो है हमारे किसान। और हमें मिलके, हमारे इस फैमिली को मिलके, सबको मिलके एक ही काम करना है और इसको इसको सपोर्ट करना है, इनको सपोर्ट करना है, जो भी इनकी जरूरत है उनको पूरा करना है। अगर आप देखोगे कि क्या क्या लगता है कि अगर वेजिटेबल की फसल क्यों नहीं बढ़ रही है, तो यही चीजें है। सबसे इंपॉर्टेंट वो सीड्स, उसका जरा महंगा है, वो ज्यादा खर्चा उसको लगता है, इनपुट जो लगते हैं वो चाहिए, मार्केट सपोर्ट नहीं। आज हम लोग कुछ करें पता नहीं कि वो कोई लेगा कि नहीं फसल। और ये सभी चीज हम लोग आसानी से कर सकते हैं, और इसी के लिए हमारा है ये एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट। दोस्तों आप समझ नहीं सकते लेकिन इतना महत्व है इस एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट का, एमवीपी का। हर ग्राम पंचायत, मैं तो कहता हूं हर ग्राम पंचायत, अपने तहसील में भी एक ग्राम पंचायत दूसरे ग्राम पंचायत से अलग हो सकती है, किसानों की चीजें अलग हो सकती है, उनकी जरूरतें अलग हो सकती है, उनके प्रॉब्लम्स अलग हो सकते हैं। और ये जो हमारा सेंटर है, ये जो हमारा व्यवसाय है, ये जो प्रोजेक्ट है, उसका काम ही एक ही है कि मेरे यहां मेरे गांव में लोग क्या कर रहे हैं, कौन सी खेती कर रहे हैं, मछली कर रहे हैं क्या, तो उसको उनको जो कुछ लगता है वो हम लोग दे। इसी के लिए एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट है, एमवीपी है। और मुझे 100% विश्वास है कि आने वाले दिनों में हम सब मिलकर इसको पूरा करेंगे। इतना रिसोर्सेस, इतना सब कुछ अगर कुदरत ने, भगवान ने हमें दिया है, तो मिलकर सिर्फ हमें अभी हमारे किसानों की, हमारे लोगों की मदद करनी बस, और वो करेंगे बहुत जल्दी। उस ऑयल एंड गैस में भी नहीं, इस भी ऑयल, इस वेजिटेबल ऑयल में भी हम बहुत जल्दी स्वयं पूर्ण होंगे। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच श्याम सर।